हेलो दोस्तों, ब्लॉग में तुम्हारा स्वागत है। और भाई क्या नाम है, सभी को होली की और धुलंडी की राम राम है। आज मेरी माँ घर चली गई तो मुझसे कह रही थी मेरी माँ कि मैं शाम तक आ जाऊँगी, शाम तक नहीं आना हुआ दोस्तों। और मेरे तकरीबन 2 घंटे लग गए हैं, मुझे मेरी माँ ने बुरी तरह फंसा दिया है सब्जी में। देखो दोस्तों क्या करूँ, बहुत बड़ी विनम्रता है, क्या करूँ, बनाता हूँ जैसे बनता है वैसे बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना, कि माँ की हेल्प कर रहा हूँ। आप भी अगर माँ से प्रेम करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब मैं गैस स्टार्ट करता हूँ। सब मैंने काट लिए हैं, ये हरी मिर्च है, वो क्या नाम है, ये प्याज है, और ये टमाटर कच्चे टमाटर, और ये बैंगन, और ये आलू। आज इन तीनों की मिक्सचर सब्जी बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। कच्चे टमाटर जिसमें डालते हैं उसको चटपटी सब्जी बन जाती है, मस्त मजे से खाएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और स्पेशल तो माँ के लिए करिए, क्योंकि आज मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ गई कि बेटा मैं आऊँगी, लेकिन वो गाँव चली गई। अब क्या करूँ दोस्तों, कह भी नहीं सकते माँ से कुछ, माँ का आदेश है, ये सब बनाना पड़ रहा है। आप भी अपनी माँ के आदेशों का पालन करें और वो काम बता दें उस काम को करें। अब गैस स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, ये देखो इसमें थोड़ा तेल डाल देता हूँ। ये एक रंग का, और ये 2 लीटर के करीब, 1 लीटर करीब तेल डाल दिया गया है दोस्तों ने। अब आपको बताऊंगा, उसके बाद में इसमें जीरा डाला जाएगा। तेल गर्म हो रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों कभी आपने खाई हो या बनाई हो तो कमेंट में करना, कि भाई मैं भी जानता हूँ, मैं पहली बार बना रहा हूँ, पता नहीं अब कैसी बनेगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक ठाक ही बनेगी, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद बन रही है। करीबन 2 घंटे लग गए दोस्तों, पहले प्याज को धोया, छीला, काटा, फिर टमाटर तोड़ के लाया, फिर उसके बाद में बैंगन लाया। इसमें कांटे होते हैं दोस्तों, कांटे छिल गए बहुत सारे, क्या करें अब, माँ के लिए कुछ करना पड़ता है, इसलिए आप भी अपनी माँ से प्यार करें और क्या नाम है जो आदेश दें उनका पालन करें। माँ के बिना दोस्तों जीवन बेकार है। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और आज देखते हैं, ये जीरा लिया है, इसको थोड़ा सा, ये दोस्तों ये जीरा है, तेल गर्म हो रहा है, इसमें डालेंगे। उसके बाद नमक मिर्ची जो थोड़े थोड़े मात्रा में ले लिए हैं, अब उसको फिक्स मात्रा तो याद नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े ले लिए हैं मैंने। अब इसमें पानी डाल देंगे, ये पानी डाल दिया ताकि ये गल जाए। जीरा डाल दिया है दोस्तों, बस ये मसाला कम्प्लीट हो चुका है। इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है, धनिया है, हल्दी है, मसाला है लाल वाला मसाला, गरम मसाला, इसमें मिर्चा डाल दिया है, गरम हो चुके हैं, जीरा भी पक चुका है। डालना भूल गया था, लेकिन मैंने मसाले में डाल दिए, जैसा बनेगा ऐसा देख लेंगे, गजब का स्वाद लगेगा दोस्तों, क्योंकि पहली बार बना रहे हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाती हैं।